तो आखिर शरद पवार इतने अहम यहां पर क्यों हैं? क्यों उनके इस्तीफे की खबर इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी चर्चा जो है वो हर तरफ है, विपक्षी पार्टियों की उस पर नजर है, महाविकास अगाड़ी को लेकर जो है वो सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। दरअसल 6 दशक के अपने राजनीतिक सफर में बार बार जो है शरद पवार अपनी राजनीतिक कौशल और उपयोगिता साबित करते रहे हैं और ज्यादातर दलों में दोस्त उन्होंने बनाए हैं। भारतीय राजनीति का एक साझा पुल बनाने की कोशिश में भी वो लगे रहे। सियासत में क्या पक्ष है और क्या विपक्ष, प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक उनके मुरीद रहे हैं, तो एक लंबा खासा अच्छा खासा उनका करियर रहा है 6 दशक का। देखते हैं रिपोर्ट। ये 1958 का साल था। 18 साल का एक किशोर युवक कांग्रेस से जुड़ा, 4 साल बाद जिला अध्यक्ष बना और इसी के साथ शुरू हुआ शरद पवार का लंबा और शानदार राजनीतिक सफर। छात्र राजनीति से शुरुआत कर बहुत कम समय में पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। हालांकि उनका पहला कार्यकाल बहुत छोटा रहा, मगर 10 साल बाद वो दोबारा लौटे। 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, उम्र थी 38 साल। दोबारा 1988 में बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। 1990 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने पवार। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर महाराष्ट्र के बाहर भी शुरू हुआ। 1991 में वो नरसिंह राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। 1993 में चौथी बार उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, लेकिन 2 साल के कामकाज में ही दिल्ली में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। बरसों बाद मनमोहन सिंह ने कार्यक्रम में याद किया कि उन्होंने उस समय कैसे रक्षा बजट में 500 करोड़ की बचत कर दी थी। मनमोहन सिंह ने कहा, संकट के समय में शरद पवार से मार्गदर्शन लेता हूं। मगर 1999 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने का विरोध करने के नाम पर शरद पवार को पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। इसी के साथ राष्ट्रीय हसरतों के साथ क्षेत्रीय पकड़ वाली एक पार्टी के तौर पर एनसीपी का जन्म हुआ। बाद के वर्षों में एनसीपी गुजरात, गोवा और नागालैंड तक फैली और उसने राष्ट्रीय दर्जा भी हासिल किया, जो हाल ही में उससे छिना है। इस दौरान एनसीपी मजबूत होती रही। महाराष्ट्र में 1999 से 2014 तक वो कांग्रेस के साथ सरकार में रही। एक समय कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी होती दिखी। गठजोड़ की राजनीति के दौर में दिखी उनकी असली ताकत, हर दल के भीतर उनके दोस्त और उनकी परिपक्वता का सम्मान। उन्होंने खुद को उस्ताद रणनीतिकार साबित किया, जिनका लोहा प्रधानमंत्री मोदी भी मानते रहे। महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। राज्य सरकार में मेरी कठिनाइयां बहुत रहती थी, भारत सरकार से परेशानियां सी परेशानियां होती रहती थी, तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। तो महाराष्ट्र की राजनीति का ये दिग्गज नेता धीरे धीरे गठजोड़ की राजनीति का भीष्म होता नजर आया। ये छवि तमाम दलों के भीतर अपने दोस्त बनाने और उन्हें गठजोड़ में बदलने की उनकी खूबी से हासिल हुई। अपोजिशन नीति की आवश्यकता है, नहीं ऐसा नहीं कहूँगा, मगर इश्यूज के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है कि देश के जो अपोजिशन है इसमें अलग अलग सोच है, अलग अलग थिंकिंग है। हमारे जैसे लोग को हम अपोजिशन यूनिटी चाहते हैं, मगर हमारा ट्रस्ट डेवलपमेंट पर है। कभी उन्हें चालक चतुर कहा गया तो कभी सख्त। 2 बार कैंसर से उनकी मुठभेड़ भी उनके निश्चय और उनकी ताकत को कमजोर नहीं कर सकी। 81 साल की उम्र में उनकी राजनीतिक शख्सियत अपने शिखर पर दिखी जब वो जमकर प्रचार में लगे और शिवसेना और कांग्रेस के साथ महाविकास अगाड़ी बनाकर उन्होंने राजनीतिक दुनिया को हैरान कर दिया।
राजनीति में इस तरह रमे हुए एक दिग्गज नेता का अचानक आया इस्तीफा न सिर्फ उनकी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को सदमे में डालने वाला है बल्कि इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ेगा और 2024 से पहले विपक्षी एकता की कोशिशों पर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।